कल केंद्र सरकार स्वयं उच्चतम न्यायालय में इस मामले में कूद पड़ी। जितने याचिकाकर्ता हैं सब लोग सिर्फ न्यायालय से एक सूत्री मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। उनका मालिफाइड इंटेंशन तो इसी से झलकता है। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, लगातार कहा है सुनवाई के दौरान, कि भाई हम पूरा मामला सुनने को तैयार हैं, लेकिन बिना सारी बात समझे हम बीच में ही इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं। स्पष्ट कहा केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को कह रही है कि हमको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है। अब सोच लीजिए कि इतने धूम धड़ाके वाली मोदी जी की सरकार कितनी निरीह और असहाय और निर्णय की स्थिति में। जाति आधारित गणना के मामले में अब केंद्र सरकार और भाजपा दोनों पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये अगर हो जाता है तो अलग अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी, फिर ये अभी जनगणना कराने वाले हैं उसमें भी पूरे देश से ये मांग उठेगी कि भाई जाति आधारित जनगणना कराई जाए। तो ये परेशान है। जाति आधारित गणना के मामले में अब केंद्र सरकार और भाजपा दोनों पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सबको मालूम है कि इस मामले को पहले लोकहित याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक घसीटने की और पेच फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण जब लोकहित याचिकाओं के माध्यम से वो इसे रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे, तो सबसे आश्चर्यजनक और दुख की बात है कि कल केंद्र सरकार स्वयं उच्चतम न्यायालय में इस मामले में कूद पड़ी। उनके सॉलिसिटर जनरल ने कल अचानक से उपस्थित होकर, इतने दिन से मामला चल रहा है कहीं उनके कान पे जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन कल अचानक से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि हमारी भी इसमें सुनी जाए और बिहार वासियों को आश्चर्य ही नहीं हास्यास्पद भी लगेगा कि सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को कहा कि न हम इस मामले के पक्ष में हैं न विपक्ष में, न हमको पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, हमको कुछ बात कहनी है। अब सिर्फ इस बात का मतलब कोई समझ सकता है कि जब न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो परेशान क्यों है। सीधी बात, और मामले की सुनवाई चल रही है, अंतिम चरण में सुनवाई है। जितने याचिकाकर्ता हैं सब लोग सिर्फ न्यायालय से एक सूत्री मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। उनका मालिफाइड इंटेंशन तो इसी से झलकता है कि और कुछ नहीं सुनिएगा बाद में, अभी इसको रोक दीजिए। और जब उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, लगातार कहा है सुनवाई के दौरान, कि भाई हम पूरा मामला सुनने को तैयार हैं, लेकिन बिना सारी बात समझे हम बीच में ही इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं, स्पष्ट कहा है। तब ये सारी साजिशें जब केंद्र सरकार और भाजपा ने देखा कि विफल हो रहा है, तो अंतिम अस्त्र के रूप में कल केंद्र सरकार स्वयं इस मामले में उच्चतम न्यायालय में कूद पड़ी है। सोच के देखिए कि आज तक उनको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब बातें अब सार्वजनिक हो रही हैं तो अब उनको उनकी परेशानी बढ़ रही है। और जैसा कि हमने कहा कि हास्यास्पद तो यह है कि केंद्र सरकार
उच्चतम न्यायालय को कह रही है कि हमको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है। अब सोच लीजिए कि इतने धूम धड़ाके वाली मोदी जी की सरकार कितनी निरीह और असहाय और निर्णय की स्थिति में है कि न पक्ष में है न विपक्ष में, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, फिर क्यों आए सर? तो वही तो, मतलब न्यायालय क्यों गए? अब एक सप्ताह का समय मिला है तो हम तो सिर्फ बिहार के जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं और उनकी असली मंशा और कुछ नहीं है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने जो एक ये क्रांतिकारी युगांतकारी निर्णय लेके जाति आधारित गणना कराने का काम शुरू किया है उसको येन केन प्रकारेन रोक दिया जाए, क्योंकि ये दबाव में आने वाले हैं। ये अगर हो जाता है तो अलग अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी, फिर ये अभी जनगणना कराने वाले हैं उसमें भी पूरे देश से ये मांग उठेगी कि भाई जाति आधारित जनगणना कराइए। तो ये परेशान है, इसलिए अब इनकी कलई खुल रही है। लेकिन हम लोग आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अभी तक इनकी साजिशें सफल नहीं हुई है भविष्य में भी इनकी कोई साजिश सफल नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के भी इजाज़त से जाति आधारित गणना का काम बिहार सरकार पूरा करेगी, जो देश में एक मिसाल कायम करेगा और फिर से जिस तरीके से कई मामलों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने पूरे देश को रोशनी दिखाई है, ये मामला उसी तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बनने वाला है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।